हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि व्लॉग किस बारे में है। एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, छोटा सा मार्केक्स जो हमारी थी उसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। आप लोगों को दिखाने चलते हैं कि गाड़ी का कोई हिस्सा बचा है कि नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये फेक भी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ड्रामे कर रहा है। बाकी यार डिटेल वगैरह आप लोगों को किसी और दिन बता दूंगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना हो कर देना, नहीं करना हो मसला नहीं है। आओ ही चलते हैं, गाड़ी देख ले, आप लोगों को शक दूर कर दे। ऐसा लग के हम जोर से नहीं बोलते, कभी कभी सच भी बोल लेते हैं। ये लायलपुर गैलरिया, इसके बाहर जी गड्डी गई है सीधा नहर। ये देखो जी, इधर से गाड़ी आई है। ये दरखत बजी है और ये दरखत टूट चुका है। Later that same evening. अब सोच रहे होगे हम जिंदा किस तरह बात हुई, बच्चे तो ये बाबा जी। बाकी यारा जी नुकसान तो होते रहते हैं, जाने बच गई हैं। ये अब कौन सी गाड़ी है? ये तो मार्केक्स नहीं है। मुझे टैराटो लग रही है जो पास है। ये बाबा जी ये बहुत हैवी गाड़ी है, जो भी है नहीं देखी जा रही यार इस तरह। ये नहीं देखी जा रही, ओए अल्लाह की कसम, नया इश्क हुआ था इसके साथ, धोखा देगी ये पैर। पहले तो बाबा ये सनरूफ देखो, सनरूफ टूटा है, इस तरह लग रहा है किसी ने काटा है। यार बाबा जी मैं ये नहीं समझ आ रही, मैं इतना चिल कैसे हूँ अभी। बहुत दर्द है बड़ी। अंदर से दिखाऊँ? अंदर से इधर आ रहा, अंदर से दिखाता हूँ जी। ये देख लो जी, ये देखो, सफाई चेक करो, सफाई निप्स ईमान है। ओए होए 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 बाबा जी चेक कर रहे हो? मेरे एयरपोर्ट पड़े थे, एयरपोर्ट नहीं मिले। इसका पुश बटन भी रोल रहा है, वो सीटा चल रही है। रुक गया, बैटरी उतर गई है। नहीं सनरूफ चेक करो बाबा जी, सीटें ना इधर इतों ही निकली हैं, इतों ही आम निकली है सारी। बाबा जी ओए होए होए धोखा दे दिया इस गाड़ी ने मुझे। यार मेरे शोल्डर में पेन हो रही है। तेरी हले शोल्डर की भैन दी सीरी, इतने मैं अपनी टेंशन पी है, तू शोल्डर ला के बह। ये लो जी पीछे से देख रहे हो, लावा लाइट्स आ पई हैं, लावा लाइट है साड़ी। फिर जी जो अभी आप लोगों को दिखाने लगा होना, मैं जितनी गंदी बजी है जिधर से, पहले तो ये चेक करो, पूरी एक ना सी बना हुआ इधर। ये टायर भी फाड़ हो गया, एम्प नीचे होगा। इधर पता नहीं एम्प कितने गया, एम्प पता नहीं, एम्प नहीं है ना, एम्प दी पई है, पूरी गड्डी तबाह हो गई। तेनू एम्प दी पई है, अल्लाह की कसम साला, कह रहा एम्प कितने है, गड्डी तबाह हो गई है यार। तू एम्प भैंस है, मेरे को ले ली 6000 का, मैनू वापस उदा दी कर दे। एम्प कितने है, सामने शोखा हो रहा है। एम्प कितने? बाबा जी मैनू एक गल दसो ना, गड्डी का रिमोट लभ रहा ना, एम्प लभ रहा, डब्बा के पिछे पे आ ना, गड्डी स्टार्ट हो रही नहर दे विच होना, फिर लभ के लियाने आपां। या ओए ओए इधर आ जा, कौन है? हां दस की उधरला टायर देखी, रिम तो लग गया। आ आ आ खोली, ओते कड़ी, उते कड़ी, उते कड़ी, बंद कर तू एक मिनट। अंदरों छावा ही गया वा, और रिम चेक करो, रिम ही टूट गया। सो मोरा चेक करो, रिम में पिछला भी रिम इस तरह ही है। हाय कोई नहीं, नुकसान होते रहते हैं। छत चेक करो यार, अभी जो चीज़ दिखाने लगा ना ये चेक कर लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिंदा किस तरह बच गए, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। ओए होए बाबा जी, लोले पोले लग गए माड़ी मार्केट के, देख रहे हो? वो शीशा कितना पहुंच गया भैन फर। यार मैं साइड क्यों नहीं हो रहा है, बताता हूँ।
तो भाई लोग अभी कहाँ रहे हैं, गाड़ी की हालत तो आप लोगों ने देख ली होगी कि गाड़ी में से तो कुछ बचा ही नहीं है। अभी कुछ पता नहीं है क्या करेंगे गाड़ी के साथ, गाड़ी को सेल करेंगे, सही करेंगे, रिपेयर करेंगे, कुछ पता नहीं है। बाकी जो भी करे अल्लाह के फैसले हैं, जो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर ही करेंगे। जो लोग भी कह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि तू फेक वीडियो दिखा रहा है, किसी की मार्केक्स है, शायद उन लोगों को यकीन हो गया होगा कि मेरी मार्केक्स थी। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मैंने उसी वक्त नंबर प्लेट्स भी उतार दी थी गाड़ी की, कि किसी को पता ना लगे कि ये फाइन बाबा की गाड़ी है। काफ़ी और भी मसले थे जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में या किसी और दिन बताऊँगा इंशाल्लाह। मैंने यूट्यूब पर 2 साल, मुझे तो 4 साल हो गए वैसे यूट्यूब पे, लेकिन 2 साल से मैं पैसे जोड़ रहा था गाड़ी के। मैंने एक गोल बनाया था 2 साल पहले कि मैंने गाड़ी लेनी है, अच्छी लेनी है। मार्केक्स लिए है, मार्केक्स का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी यादें थी। यकीन करो मुझे तो मार्केक्स से मोहब्बत हो गई थी, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ कि मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, मैंने स्विक भी चलाई है, मैंने पता नहीं क्या क्या चलाया, लेकिन मार्केक्स एक बात है कि मार्केक्स जैसी गाड़ी मैंने अभी तक नहीं चलाई। मैं इंशाल्लाह ताला मैं लूँगा तो इंशाल्लाह ताला मार्केक्स लूँगा एंड सनरूफ के साथ वाली लूँगा। सनरूफ वाली मार्केक्स लेंगे या फिर हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा सुपरा वाली साइड पे आएंगे, क्योंकि शौक ही कुछ ऐसे हैं, लेकिन इस बार स्लो चलाएँगे। सही है, एट दी एंड आपको यही बताऊँगा कि यारा जी गाड़ी स्लो चलाया करो। मुझे तो बाबा जी बहुत चीज़ें सीखने को मिली है इससे। अब आपकी इतने पैसे एकदम से पानी में गिर दे, दुख तो लगता है ना। बाकी नफा नुकसान ज़िंदगी के साथ साथ ही है, फ़ायदे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसान भी कभी कभी होते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा नुकसान था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बात का कि अल्लाह ने कोई जानी नुकसान नहीं दिया। चीज़ें आती हैं बन जाती हैं बाबा जी, जब इंसान चले जाते हैं वो नहीं आता। तो एट दी एंड ये कहूँगा कि यारा जी गाड़ी स्लो चलाया करो, सही है चलाया करो तेज़, लेकिन खाली रोड पे। लेकिन यार खाली रोड पे भी ना चलाया करो ये गाड़ी भी, भैंस की तुम खाली रोड पे बची थी। बाकी डिटेल वीडियो कि गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह किस तरह हुआ था, अब क्या करेंगे गाड़ी के साथ, वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा, बता दूँगा क्या करना है क्या नहीं। आप लोगों को मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखना, बाय बाय। Future is what I say. वो साथ खाएं कहना पड़ता नहीं वो भाई थे। I do or die for the gang. देना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे। साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज। I rap for a purpose, ये करियर a cause. You expect me to be perfect and I'm just full of flaws. कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह का nothing to lose. I'm crossing lines just to cancel out the booze. अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू, दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा।